हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, जो लोग भी आरओआरओ 2023 के लिए सीरियस हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक डाउट आ रहा है कि टाइम मैनेजमेंट क्या हो। चीज़ें पढ़ तो रहे हैं, चीज़ें कर तो रहे हैं, टेस्ट पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, करंट अफेयर्स भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, बट चीज़ें जिस पेस पे होनी चाहिए वो उस पेस पर नहीं हो पा रही हैं। एंड जितना पढ़ भी रहे हैं तो उसमें एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। एंड कहीं ना कहीं जब एक दो अटैम्प्ट में होता नहीं है ना, पीछे जब अभी एग्जाम्स में नहीं हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है कि एक्चुअल में इस बार भी जो ये चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ या मैं फॉलो कर रही हूँ, क्या ये चीज़ फ्रूटफुल रहेगी, क्या मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। सो इस चीज़ को लेकर के बहुत एंग्जाइटी रहती है। ऊपर से इतना ज़्यादा मार्केट में चीज़ें रहती हैं कि स्मार्टली चीज़ों को परस्यू करो, स्मार्टली काम करो, हार्डवर्क अपनी जगह है बट स्मार्ट वर्क करना है। सो इतने ज़्यादा लोगों के बाद में चीज़ करके डाउट रहता है कि एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट क्या हो, कैसे चीज़ों को फिनिश करें, कैसे सिलेबस को फिनिश करें, कैसे टेस्ट सीरीज लगाएं, सारी चीज़ों को कैसे करें। देखिए, इसी चीज़ के बारे में मैं आगे 3-4 मिनट में बात करूँगा। ध्यान से इस चीज़ को सुनिए, आपको काफ़ी हेल्प होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी इन चीज़ों में। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का सबसे सिंपल सा फंडा है, जिस भी किसी को ये इशू हो रहा है कि लाइक वो सोचते तो हैं कि आज मुझे ये करना है या इस वीक में मुझे ये करना है या इस मंथ में मुझे ये करना है, बट वो एक्चुअली में कर नहीं पाते हैं। सो उनको ये समझना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट में कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ग्रैंड चीज़ हो, लाइक बहुत कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मालूम है एंड किसी और को मालूम है, जिसका हो रहा है या जो आराम से हर साल क्लियर कर रहा है प्रीलिम्स में। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बस वो समझना और इम्प्लीमेंट करना उतना ही टफ है। और वो ये है कि मेहनत करनी पड़ती है, लाइक मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो, जो भी लोग एक्सेल कर रहे हैं, जिनको आपको लग रहा है ना यार कि इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ये इतना ज़्यादा कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। बहुत से लोग सर्विस में भी हैं या और 2-4 काम अपने साथ में कर रहे हैं, उसके बाद भी वो चीज़ें कर पा रहे हैं। इट्स बिकॉज कि उन्होंने अपनी चीज़ों को सिस्टम में बिल्ड कर लिया है, ऑर्गेनाइज कर लिया है, चीज़ों को सिस्टमेटिकली चीज़ें हो पा रही हैं। वो इसलिए बिकॉज उनके दिमाग में क्लैरिटी है, उन्हें पता है कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, उनकी बाउंड्री क्या है, एंड उसके अलावा वो चीज़ें नहीं कर सकते। सो वो उन चीज़ों को पिक ही नहीं करते हैं जो उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं वो फेल कर जाएंगे उन चीज़ों में जब उनको वो लेंगे। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको टाइम का मैनेजमेंट का जो इशू आ रहा है, आप देखते ही देखते आपके 2 घंटे निकल जाते हैं, देखते ही देखते आपके 4 घंटे वेस्ट हो गए, पूरा दिन निकल गया, एंड आपने जो सोचा था वो गोल आपका फुलफिल नहीं हो पाया, वो टारगेट्स आपके अचीव नहीं हो पाए जो भी आपने शॉर्ट टर्म टारगेट अपने बना रखे थे। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लेकर के फोकस नहीं हो, और फोकस तभी मेंटेन होगा जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी। उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक आपको बीच बीच में टाइम निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम से 4-5 घंटे मिल जाएंगे, स्ट्रेट आपको 2 दिन फ्री मिल जाएंगे, कोई घर का काम भी नहीं होगा, कोई ऑफिस का काम भी नहीं होगा, कोई और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी जो आपको फुलफिल ना करनी हो, सारी चीज़ें अपनी साइड बाय साइड चलती रहेंगी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं पर भी अगर आपको आधा घंटा मिलता है या आपको 1 घंटा मिल सकता है, तो आप उसको कैसे वहाँ से निकाल सकते हो एंड उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो आरओआरओ के लिए, जैसे आप चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता है कि यार कॉम्पिटिशन ब्रूटल है, रूथलेसली आपको प्रिपेयर करना है चीज़ों के लिए। बहुत सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी वाले भी हैं, यूपीपीएसएस वाले भी हैं, जो ऑलरेडी यूपीएससी के लिए कुछ एग्जाम्स दे रहे थे वो भी इसमें इधर साइड ऑफ शिफ्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल एक अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होने वाला है। अब इसमें अगर आपकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है, अगर आपकी बुक लिस्ट फिक्स नहीं है, अगर आप डेली के डेली टारगेट बना के चीज़ों को नहीं करो, देखो एक चीज़ समझो, आपने 10 टॉपिक पिक किए, छोटे छोटे 10 टॉपिक आपने पिक किए ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और थोड़ा थोड़ा आपने हिंदी का लिया। अगर उन 10 टॉपिक्स में से आपने 7 या 8 भी कर लिए हैं, 70-80% भी आपने अगर कर लिया है, तो यू आर रेडी टू अटेम्प एनी एग्जाम। क्यों? क्योंकि आप डेली के डेली चीज़ों को कर पाते हो, ये चीज़ अगर आप 3 महीने कर पा रहे हो। बट अगर आपने 10 टॉपिक उठाए एंड आप 3 कर पाए, 4 कर पाए, तो इसका मतलब कहीं कहीं आपके टारगेट्स जो हैं वो अचीव नहीं हो रहे हैं। एंड यही चीज़ जब आप 1-2 महीने रिपीट करोगे, तो आप देखोगे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको ये ट्राई करना है कि आप टॉपिक्स को चेस करो, सोर्स और बुक लिस्ट को मत चेस करो। जैसे अगर आपने अपनी बुक लिस्ट एक बना रखी है, सो उसमें भी ये देखो कि यार कि मैं स्मार्टली इसको कैसे फिनिश कर सकता हूँ, स्मार्टली इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उनको मैं कैसे तैयार कर सकती हूँ। देखो, आपके सामने बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें करने को हैं। हिंदी में आपको करना है, फिर हिंदी में आप एंड में रिवीजन आपका चलता रहेगा, हिंदी में आप चीज़ों को प्रिपेयर करोगे, जो भी 60 नंबर की हिंदी है। जीएस में नंबर स्कोर करना बहुत टफ टास्क है, आपको ये समझना पड़ेगा। 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिस्प्यूटेड हो सकते हैं, नोबडी नोस कि ये लोग पेपर सही बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो आयोग जो भी क्वेश्चंस बनाएगा उसमें 4-5 क्वेश्चंस में डाउट होगा, उसमें फिर आप आपत्ति जताओगे, एप्लीकेशन करोगे, देन वो क्वेश्चंस में रिस्क रहता है। आपको भी पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में आपके 130 आएंगे आरओ में, या 135 आएंगे, या फिर 125 ही आएंगे। सो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने एंड उनको डेली के डेली तैयार करना है। 2-3 दिन का टारगेट बना सकते हो कि यार मैं 3 दिन में इतना करूंगा, बाय द एंड ऑफ दिस वीक मैं इतना प्रिपेयर कर लूंगी। एंड ये टॉपिक्स आपके वेरियस सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, एंड ये आप पे कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उन टॉपिक्स को आप कि कौन से टॉपिक्स को चूज करते हो। लाइक अगर आपकी पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, तो पॉलिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसको बस इतना पढ़ो कि आपका रिविजन एक अच्छा चलता रहे, एंड वैन यू अटेम्प्ट टेस्ट पेपर पॉलिटी का, तो उसमें आपके नंबर आए एंड आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो आई विल बी एबल टू सॉल्व देम।
अब किसी की हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री पे आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कि यार हिस्ट्री में ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो मैं अगर अभी यहाँ पर ध्यान दूँ तो मेरे नंबर बेटर हो, मैं यहाँ पे जब टेस्ट पेपर देता हूँ तो उसमें मेरे नंबर अच्छे आ पाएँ। सो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एम्फोसिस करना पड़ेगा, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। एंड जब तक आप टॉपिक्स को पिक नहीं करोगे तब तक आप उन थीम को पढ़ ही नहीं सक पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। बिकॉज कोई भी रैंडम सा क्वेश्चन आएगा एंड आपको लगेगा ये कहाँ से आया, ये तो मैंने सुना ही नहीं है। ये होगा, दिस इज गोइंग टू हैपन। आरओ का एग्जाम बहुत फैक्चुअल होता है इन कंपैरिजन टू यूपीपीसीएस। बहुत सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, अंदर अंदर से इन डेप्थ फैक्ट देखने को मिलेंगे। सो अगर आपने चीज़ों को एनालाइज नहीं कर रखा है एंड अगर आपने वो स्किल डेवलप नहीं किया कि एक्चुअल में क्या एग्जाम में आ सकता है, देखो नोबडी नोज कि एक्चुअल में क्या आएगा, नोबडी नोज। अगर कोई क्लेम कर रहा है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, आपको फूल बना रहा है। आपको ये समझना है कि जो अभी तक का ट्रेंड यूपीपीसीएस का रहा है, अभी तक का जो ट्रेंड यूपीपीएससी का रहा है रिगार्डिंग थिंग्स लाइक वो क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते, उनके रिगार्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं उन चीज़ों को कैसे तैयार कर सकती हूँ, मैं उन चीज़ों को कैसे तैयार कर सकता हूँ इन लेस टाइम, विथ लेस टाइम। अगर आप ये सोचोगे मेरे पास ये बुक्स हैं, ये टेस्ट सीरीज है, मैंने वो कोचिंग ज्वाइन की है, यहाँ मैंने ये ज्वाइन किया है एंड मेरे पास ऑलरेडी इस चीज़ के नोट्स हैं एंड मैं इससे ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, वो सारी चीज़ें एक बस सपना बन के रह जाएंगी एंड आप उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। आपको अपने गोल को छोटे में तोड़ना पड़ेगा, छोटा छोटा बनाओ यार टारगेट कि आज मेरे पास, जैसे आज यार 11 जुलाई है, आज ये वीडियो देखने के बाद जब भी ये वीडियो देख रहे हो सुबह दोपहर शाम रात या यू नो कभी भी देखोगे नेक्स्ट टाइम, आपको ये अपना टारगेट बनाना है कि भाई मेरा अभी मैंने कितनी चीज़ें कवर कर ली हैं, हाउ मच सिलेबस आई हैव कवर्ड ऑलरेडी, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में चीज़ें आ रही हैं एग्जाम में, आपने देखा तो उसके बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है, जो मेन मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं SDG जो है वो आपको आइडिया है कि नहीं आइडिया है। क्लाइमेट एक्शन आर्टिकल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG 13 है, क्लाइमेट एक्शन उसमें है या 11 में है या 12 में है। इसी तरीके से जल के नीचे जीवन, भूमि के नीचे जीवन, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको उसमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में किस SDG में इसके बारे में बात की गई है। सो जब तक आप उन चीज़ों को एनालाइज नहीं करोगे, खुद की स्ट्रेंथ को खुद की वीकनेस को एनालाइज नहीं करोगे, इसलिए मैं सभी लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग टेस्ट दीजिए। देखिए टेस्ट देने का पर्पस ये नहीं है कि आपको वहाँ पे ये करना है कि एग्जाम में आप जाके कितना कर पाओगे, आपको सिर्फ ये एनालाइज करना है कि आप अभी कितना जानते हो, आप अभी चीज़ों के रिगार्डिंग कितना श्योर हो, कितना चीज़ों में आपको डाउट है एंड आपका स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस क्या है, आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस कैसे जानोगे। अगर आपको पता है तो ठीक है आप उन पर काम करना स्टार्ट कर दो, बट जिसको नहीं पता है उसको टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए इंस्टेंटली, आज के आज कल के कल अटेम्प्ट करो और देखो कि भाई उसमें मेरा क्या वीक है। अगर ज्योग्राफी वीक है तो ज्योग्राफी में देखो कि यार माउंटेन्स आ रही हैं, लेक्स आ रही हैं, प्लेट्यू आ रहे हैं, उसमें आपके मिनरल्स के बारे में पूछ रहा है, उसमें लैंडलॉक कंट्री के बारे में पूछ रहा है, फिर उसमें मैपिंग वाली जो एरिया है उसके बारे में पूछ रहा है, लाइक इंडोनेशिया वाला का रीजन इस बार 2 साल से आ रहा है। सो ये सब जो थीम है ना, ये सब क्वेश्चंस आपको पकड़ने पड़ेंगे एंड देन उनको जाके तैयार करो, रादर देन कि पूरी बुक खोली आपने एंड देन आप उसको फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज कवर कर रहे हो। या डेली बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो इस तरह से तैयार करते हैं, लाइक पहले पेज से 10 पेज तक पढ़ेंगे, फिर देन 10 पेज पढ़ेंगे, फिर 10 पेज पढ़ेंगे। पेजेस क्यों काउंट करने हैं, पेजेस काउंट ही नहीं करने हैं। आप टॉपिक्स देखो, मैं 4 टॉपिक कंप्लीट करूंगा। एंड एक लोगों को ये भी डाउट आता है, बहुत बहुत बेसिक सा डाउट है, वो भी ये भी आता है कि लाइक हम चीज़ों को जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं, सो एक हमने किया फिर हमने दूसरा टॉपिक किया तो उसको किस तरह से यू नो आगे बढ़ना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट वे ऑफ रीडिंग क्या है। देखिए ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है। बहुत से लोग होते हैं उन्होंने 1 चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, देन वो उसको रिवाइज करेंगे 2 बार, जब तक वो उसमें फुल प्रूफ नहीं हो जाएंगे वो आगे नहीं जाएंगे। देर आर फ्यू पीपल जो एक बार रीडिंग पूरे सिलेबस की है, जो चीज़ें हैं लाइक जो चैप्टर्स हैं 10-12 चैप्टर्स हैं या 15-20 टॉपिक्स हैं आपके, उनको वो फिनिश कर लेंगे, लाइक उनकी 1 रीडिंग 2 रीडिंग कर लेंगे देन उसके बाद वो रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, क्योंकि उससे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका दिमाग किस तरह से काम करता है। सबका दिमाग डिफरेंट है, हो सकता है कि आप 2 चैप्टर के बाद में 3रा चैप्टर पढ़ो तो आपका मन ही ना करे, आपको लगे कि नहीं मैं पीछे का सब कुछ भूल रहा हूँ सो मैं पहले वो रिवाइज करूंगी। हो सकता है कि आपका दिमाग ऐसा हो कि आप जब 5-6 चैप्टर 10-10 चैप्टर भी रीडिंग कर लेते हो 1-2 रीडिंग, उसके बाद भी जब आप रिवाइज करते हो तो आपको बेटर रिकॉल होता है। सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, ये कोई इसका राइट और बेस्ट वे नहीं होता है। जो चीज़ आपके लिए यहाँ पे मैटर कर जाए ना वो आपके लिए बेस्ट है। तो आपको अपना तरीका देखना पड़ेगा कि आपको कैसे ज़्यादा याद होता है। देखो कोई कोई इंसान है, आपने देखा होगा वो नोट्स नहीं बनाता है, आपने बहुत से टॉपर्स को सुना होगा कि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने तो बुक में यू नो नोट्स हल्के फुल्के बना लिए थे, वहीं पे लिख लिया था एंड मैं रिवाइज करती थी लेकिन मैं नोट्स नहीं बनाती थी, आपने बहुत से लोगों को सुना होगा। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं तो लिख लिख के याद करता था, मैंने तो ऐसे यू नो किया ही नहीं है कि जस्ट ऐसे रटा हो। सो सबका अपना पैटर्न डिफरेंट होता है, यू नीड टू नो योर ओन पैटर्न कि भाई मेरे को कैसे याद होगा, मैं चीज़ों को कैसे बेटर वे में एग्जीक्यूट कर पा रही हूँ, मेरा इंप्लीमेंटेशन कैसे चीज़ों के रिगार्डिंग बेटर है। मैं जब एग्जाम में टेस्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मैंने जैसे टेस्ट में अटेम्प्ट किया था वैसे एग्जाम में अगर मैं अटेम्प्ट करने जाती हूँ तो मेरे कितने नंबर आते हैं। हो सकता है कि 140 नंबर का आपका GS का पेपर होगा, हो सकता है कि आप 120 क्वेश्चन करके भी अच्छे नंबर ले आओ, हो सकता है कि आप 140 करके भी ना ला पाओ, हो सकता है कि आप 130 के आसपास जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो आपका एक एक्यूरेसी अच्छी निकल के आती है। सो ये सब चीज़ें आपको खुद में एनालाइज करनी पड़ेंगी और जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे आपका टाइम मैनेजमेंट कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा फंडा है, जहां से टाइम मिले वो बचाओ, उसको यूटिलाइज करो।
एक टॉपिक दो टॉपिक भी पढ़ पाओगे ना तो वो आपको आगे लेके जाएगा। करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं कि करंट अफेयर्स यू नो इतना ज्यादा पाइल अप हो जाता है एग्जाम के पहले, कैसे चीजों को कवर करें। देखो करंट अफेयर्स में जो चीजें हैं जो आपको पता है कि यार ये चल रहा है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी एनी वेयर, सो उसको थोड़ा 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 पढ़ते रहो। कभी गूगल कर लिया, कभी थोड़ा सा यू नो कोई मैगजीन में अगर कोई आपके पास है उसको देख लिया, थोड़ा सा अखबार वगैरह जैसे न्यूज़पेपर आप कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा देख लिया कि यार क्या चल रहा है, कौन सी स्कीम है, इसमें क्या है, बजट में ऐसी क्या खास बात है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, कौन सा ऐसा बिल है जो आगे चल के एक्ट बनने वाला है एंड उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यू नो विपक्ष बात कर रहा है, अपोजिशन उसके बारे में बात कर रहा है, कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो इस महीने में कॉमेमोरेट हुए हैं, लाइक जुलाई का महीना अभी चल रहा है या जून का महीना अभी निकला है तो उसमें 28 तारीख को क्या सेलिब्रेट होता था, 25 मई को थायराइड डे होता है कि नहीं होता है, या जो डायबिटीज़ डे है वो 14 नवंबर को होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे अभी 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ था, क्या आपको एक्जैक्टली याद है कि उसकी थीम क्या थी या क्या सब्जेक्ट था, किसके अराउंड वो डे कॉमेमोरेट किया गया था। तो इस तरह से जो जो चीज़ें आपके प्रेजेंट लाइफ में चल रही हैं, आपके अराउंड चल रही हैं, जो चीज़ें आपको सराउंड कर रही हैं उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए एंड उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए। देखो आप लाइफ में कुछ भी करो, पूरे दिन में कुछ भी करो, कहीं घूमने जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, यू नो वट एवर यू आर डूइंग, बट आपका जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है वो आपके एग्जाम पे होना चाहिए कि मुझे आज से 6 महीने बाद, मुझे आज से 7 महीने बाद आर ओ आर ओ का एग्जाम अटेम्प्ट करना है एंड उसमें मुझे 55 प्लस 55 प्लस नंबर कैसे भी अटेम्प्ट करने हैं, लाने हैं मुझे, सिक्योर करने हैं हिंदी में, एंड जीएस में मुझे एनी हाउ 80 नंबर मुझे लाने हैं, 80 से बिना मेरा काम नहीं चलेगा। उन 80 नंबर को लाने के लिए मेरी ये स्ट्रेटजी है, ये मेरी बुक लिस्ट है, इस तरह से मैं इतने टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे मेरी ये वीकनेस है, यहाँ पे मेरी ये स्ट्रेंथ है, इतने टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं, हिस्ट्री में मैं यहाँ पे हूँ, ज्योग्राफी पर मुझे अभी इतना मैपिंग में काम करने की जरूरत है, मिनरल्स में हमेशा भूल जाती हूँ, सो मिनरल्स के लिए मेरी ये स्ट्रेटजी है कि मैं उसको इस तरह से तैयार करूंगी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में जो चिली और पेरू और जो बोलीविया वाला रीजन है, जो लैंडलॉक कंट्री है बोलीविया, सो उसका मैं इस तरह से देखूंगी। जो साउथ जो आपका नॉर्थ अमेरिका कनाडा है वहां पे ये लेक्स हैं, वहां पर ये रिवर्स हैं, यहां पर अच्छा ऐसे ऐसे मिशिगन है, इरी है, ओंटेरियो यहां पे कनाडा में ऐसे पड़ता है, वो किस रिवर के किनारे है, वहां पे कौन सी लेक निकलती है, यहां पे अच्छा इंडिया में क्या सीन है, यहां पे इंडिया में चिल्का के आसपास क्या चीजें हैं, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है यूपी के अंदर उसका ईयर क्या है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ईयर क्या है, दुधवा का ईयर क्या है, दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस साल बना था, किस साल उसको अधिसूचित किया गया था। आपको चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा, जब तक आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं करोगे, एक्टिवली रिकॉल नहीं करोगे, आप इतना सारा डेटा लेकर के एग्जाम में कैसे वहाँ पे काम कर पाओगे। वहाँ पर जो चीज़ें आएंगी, देखो यूपीपीएससी के जो एग्जाम्स हैं, यूपीपीएससी हो गए, आरओआरओ, वो क्यों टफ है, वो इसलिए टफ नहीं है कि वहाँ पे यू नो इतनी ज़्यादा भीड़ है, वो टफ इसलिए कि जो चीज़ें पूछी जा रही है वो आप वहाँ पर रिटेन नहीं कर पाते हो, आप समझो इस चीज़ को, भीड़ बहुत ज़्यादा है एंड फैक्ट्स आते हैं, फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स बहुत कम आते हैं, फैक्ट्स बहुत आते हैं एंड फैक्ट्स को याद करना अपने आप में एक चैलेंज है। लाइक यूपीएससी में एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट का गेम है, वहाँ पे आपको पता है कि हाँ यार ये चीज़ें मेरे लेवल के ऊपर जा रही हैं, बट यहाँ पे आपको चीज़ें ईजी लगेंगी तो आप इसलिए उसमें जाओगे, उनको चेस करोगे, बट जब आप एक्चुअल में एग्जाम दोगे तो आप देखोगे आप एंशियस हो, आपको एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, आप पैनिक क्रिएट हो रहा है आपके सामने एंड आपको पता है आपने पढ़ी है चीज़ें बट फिर भी आप गलत कर रहे हो, इसलिए बिकॉज आपने रिविजन नहीं किया है, आपका टाइम मैनेजमेंट ही बेकार था फ्रॉम द लास्ट पास 6 मंथ्स। सो इन चीज़ों के ऊपर जब तक आप ध्यान नहीं दोगे कि हाँ एक्टिवली कहाँ मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और ये मेरी आदतें हैं, ये मेरी स्ट्रेटजी, देखो अगर आपकी आगे के 6 महीनों की एक मोटा मोटा प्लान अभी तक फिक्स नहीं है तो आपका 6 महीने बाद रिजल्ट नहीं आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो ये 1-2 महीने की पढ़ाई नहीं है, बहुत से लोग आएंगे आपको बोलेंगे कि यू नो मेरा 1 महीने का क्रैश कोर्स कर लो एंड मैं आपका प्री निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, भाई उससे कुछ नहीं होगा, बिलीव मी कुछ नहीं होगा उससे, 1 महीने में कोई आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो जाएगा, कोई आपके ऐसे फैक्ट्स तैयार नहीं हो जाएंगे। जो इंसान अभी 6 महीने फैक्ट्स तैयार करके जाएगा वो आज से 6 महीने बाद एग्जाम में एक्सेप्ट कर पाएगा, बिकॉज फैक्ट्स आने ही आने हैं, कॉन्सेप्ट जो बेसिक है वो आएंगे, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व है जैसे ग्रिफिथ कर्व है, फिलिप्स कर्व है, लेफर कर्व है, ये सब आपको पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन का क्या सीन है आपको पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन होती है तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या नहीं करती है, क्या करना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपको आइडिया नहीं है तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो इसलिए ये देखो कि पूरे दिन में आपके पास टाइम कितना है, क्या चीज़ें आपको प्रायोरिटी बेसिस पर प्रिपेयर करनी है। लाइक यूपी पीएससी के एग्जाम में, लाइक आरओआरओ का जो एग्जाम है इसमें यूपी स्पेशल अच्छे से पूछा जाता है, करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है या जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका वेटेज ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। सो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा एंड उसमें आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा हाँ
वहाँ पे फिजन मूवमेंट हुए थे, वहाँ पे राजा राम मोहन रॉय थे, उसके बाद में ईश्वरचंद विद्यासागर वहाँ पे थे, बी एम मालाबारी थे, फिर ये दादाभाई नौरोजी आ जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो आते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, बाल गंगाधर तिलक का क्या रूल था, एनी बेसेंट के साथ में उनका क्या कोलैबोरेशन था। सो ये सारी चीज़ों को जब तक आप रिलेट नहीं करोगे ना तो आपको याद भी नहीं होगी, एंड एग्जाम में आप बैठोगे या टेस्ट पेपर उसके पहले अगर आप दोगे तो आपके नंबर आएंगे ही नहीं। सो इसलिए चीज़ों को प्लान करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उनका एग्जीक्यूशन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिला हो। कोई और अगर डाउट हो तो मुझे मेल भी कर सकते हो, उसके अलावा आप कमेंट कर सकते हो, उसमें अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो, चाहो तो टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करता रहता हूँ, तो दिस विल बेनिफिट यू एज वेल। एंड अगर चैनल पे नए हो, पहला ये वीडियो आपका, आपने यू नो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको हेल्प होती हो तो, अगर हेल्प नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगातार लेकिन पढ़ते रहो। अभी तक भी अगर चीजें फिक्स नहीं की है, आज से भी अगर लग जाओगे ना, जुड़ जाओगे, तो अभी भी यहाँ से 6 महीने बाद चीजें आपको रिजल्ट दे सकती है, बट अगर ये टाइम आपने वेस्ट कर दिया तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई क्रैश कोर्स, कोई भी ऐसी कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी आपके लिए फिर काम नहीं करेगी जो आपको एक या डेढ़ महीने में प्रीलिम्स पास करवा दे, स्पेशली आरओआरओ का। यूपी पीसीएस में ऑल टुगेदर एक अलग गेम है, यहाँ पर ऑल टुगेदर एक अलग गेम है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कितना इन डेप्थ चीजें पूछी जा सकती हैं, एंड जब तक आप उन चीज़ों को पिन पॉइंट नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, बट मे बी कि उसमें से जो एक लाइन का एक फैक्ट लिखा है उसमें से भी थोड़ा सा अंदर जाके वो क्वेश्चन पूछेगा एंड आप गलत कर दोगे। आपने पढ़ा होगा तो आपको लगेगा कि मैंने ये पढ़ा है, मैं इसे कर सकती हूँ, या मैं इसे यू नो अटेम्प्ट करूंगा तो मैं सही कर लूंगा, या आप इंटेलिजेंट गेस दोगे, बट वो इतना डीपली पूछा गया होगा कि आपको पता नहीं होगा। आरओ 2021 में क्वेश्चन आया था मेले के ऊपर कि कौन सा ऐसा मेला है जिसमें हिंदू एंड मुस्लिम दोनों आते हैं। अब उसमें जो चार ऑप्शन दिए गए थे, एक आगरा का मेला था, आई थिंक बटेश्वर वॉज देयर, नौचंदी मेला मेरठ का था, एंड दो और थे। प्राइमर फेसी इट लुक्स कि नहीं नहीं, आपने तो ये मेले पढ़े हैं, आप आगरा के बटेश्वर के बारे में पढ़ रहे हो, आप कैलाश मेला के बारे में पढ़ रहे हो, आप मेरठ के नौचंदी के बारे में पढ़ रहे हो, बाकी भी जो दो मेले थे उनके बारे में आपने पढ़ रखा है, वो फेयर्स आपने पढ़ रखे हैं, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, बट आपको उसके बारे में अगर डिटेल में आइडिया नहीं है, आपने इन डेप्थ नहीं पढ़ रखा है कि एक्चुअल में मेरठ के नौचंदी मेले में हिंदू एंड मुस्लिम दोनों आते हैं मेले में, एक भारी मात्रा में भारी नंबर होता है, सो आप वहाँ पे गलत कर दोगे। सो इतना बेसिक जाना है। कुछ क्वेश्चन यू नो एग्रीकल्चर के थे, उसमें बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए था, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ रटा है, सिर्फ क्रैमिंग, सिर्फ आपने चीजों को यू नो ऊपर से किया है तो आप वहां पे नहीं कर पाओगे, बिकॉज वहां पे बेसिक दिमाग चाहिए था, लेकिन वो लगना चाहिए, और प्रेशर में आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, आपकी 15 जो आपकी पिछले 6 महीने रहे हैं उसमें अगर आपने ढंग से चीज़ों को तैयार नहीं किया है तो वहाँ पर आपको ऐसी एंजाइटी होगी कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी गलत होंगी, क्योंकि आपका दिमाग उतना स्ट्रेस में होगा ना, आप उन चीज़ों को चेज ही नहीं कर पाओगे कि भाई इसका ऑप्शन ये है कि ये, तभी तो ऐसा होता है ना कि करेक्ट इनकरेक्ट को आप गलत पढ़ते हो। वहाँ पर सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रखा है बट आपके दिमाग में आंसर उसका कुछ और चल रहा होता है, बिकॉज आपने उसको उतना कॉन्शियसली नहीं पढ़ा होता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको फायदा करेंगी। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।